Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. श्रीमंत राघव राव पेशवा की इस गंदी राजनीति का शिकार नहीं बनने देगी देवी अहिल्या मल्हार सरकार को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हमने जो देखा है उससे एक चीज स्पष्ट रूप से सामने आई है कि देवी अहिल्या के गणित के आगे सब गणित फेल है। देवी अहिल्या को उस कॉन्फ्रेंस रूम में उसका हिस्सा नहीं बनाया गया, मगर बाहर बैठी देवी अहिल्या ने सारे आंकड़े समझ लिए और बता दिया कि क्यों आए हैं ये श्रीमंत यहाँ पे चल के मल्हार सरकार के पास। अब दोस्तों देखना ये है और देखना दिलचस्प भी होगा कि कैसे देवी अहिल्या मल्हार सरकार को इस जो षड्यंत्र है इसका शिकार होने से बचाती हैं, और क्या है यह षड्यंत्र वो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो राजनीति बड़ी ही अजीब चीज है, इसमें उथल पथल जब होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है जो शरीफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, देशभक्त होते हैं, उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाता है। तो ऐसा अब नहीं, पहले नहीं, बहुत पहले भी ऐसा ही होता आया था, तो इसीलिए आज उस चीज को हम सामने से देख पा रहे हैं। श्रीमंत राघव राव पेशवा का नाम कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता, उनकी राजनीति जो गंदे वाली राजनीति है उसकी चर्चा इतिहास में भी है। और अब जो श्रीमंत मल्हार सरकार के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, जो बात मल्हार सरकार को कह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बात के लिए जिम्मेदार भी यही है? पहले मल्हार सरकार की गद्दी छिन जाने का लकोटा तैयार करवाना, तो उस गद्दी के छिन जाने के बाद उसी को शिकार बनाना जिसने ये लकोटे पे अपनी मोहर लगाई है, यानी कि माधव राव पेशवा के ऊपर। तो ये कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और देवी अहिल्या ने ये कड़ियां जोड़ भी ली हैं। उन्होंने बाहर बैठे ही कह दिया है कि ये जो श्रीमंत आए हैं ये मल्हार सरकार से मदद मांगने आए हैं, मल्हार सरकार की मदद या फिर उनके दुख को कम करने नहीं आए हैं, और यही बात हम देख रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों श्रीमंत जो राघव राव पेशवा है उन्होंने देवी अहिल्या को उस कॉन्फ्रेंस में, उस डिस्कशन में नहीं रखा, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने देवी अहिल्या की समझदारी का स्वाद चखा है कि वो यहाँ पे अपना जो दिमाग है उसको, दूरदर्शिता को यूज करेगी और मेरी बात को फटाफट से पकड़ लेगी और मल्हार सरकार को भी संभाल लेगी। यहाँ पे यही वो चाहते हैं कि श्रीमंत पेशवा जो चाहते हैं कि मल्हार सरकार गुस्से में ही रहे और गुस्से में ही डिसीजन ले कि कैसे कोई मेरी गद्दी छीन सकता है, कैसे कोई मालवा के ऊपर ऐसा जो है अत्याचार कर सकता है, क्या दोष है मेरा, जो भी मल्हार सरकार कह रहे हैं। तो ये सब चीजों पे मल्हार सरकार को रखने के लिए, उस क्रोध में रखने के लिए, उस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट हुआ है उसी की आग उनके अंदर दहकती रहे उसको रखने के लिए उन्होंने देवी अहिल्या को यहाँ से बाहर भेज दिया कि एकांत में बात करेंगे, जबकि यही हैं जिन्होंने देवी अहिल्या का लोहा भी माना था, मगर ये बदलते रहते हैं। अब राजनीति कुछ अलग खेलनी है तो अब कुछ अलग बोल रहे हैं, तो इसीलिए अब इनकी शर्त भी यही रहेगी जो इन्होंने कहा है कि एक ही शर्त है, आप मेरी मदद करो और मैं इसके बदले में ये चाहता हूं, और वो चाहना ये होगा कि देवी अहिल्या को सारी की सारी बात से आप दूर रखेंगे, यानी कि अगर देवी अहिल्या आती है तो उनको जरूर इस बात की भनक लग जाएगी कि मैं जो है मल्हार सरकार का यूज कर रहा हूं उनके कंधे पे बंदूक रख के माधव राव पेशवा को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, यानी कि पेशवा की गद्दी हथियाना चाहता हूं। तो ये इनका पूरा प्लान है, ये गंदी वाली राजनीति है, मगर देवी अहिल्या जिन्होंने बिना किसी बात के समझ लिया है, बिना किसी डिस्कशन के समझ लिया है, जब वो मल्हार सरकार से अकेले में मिलेगी तो जरूर इस बात को समझेगी और ये सब होने नहीं देगी। और जब ये सब चीजें होंगी दोस्तों, वो पूरा का पूरा प्रोसेस समझने वाला और देखने वाला होगा कि देवी अहिल्या किन किन मुसीबतों से निकलते हुए कैसे कैसे वो माधवराव पेशवा तक पहुंचेगी, कैसे वो मल्हार सरकार को समझाएंगी, कैसे पूरे के पूरे मालवा को बचाएंगी, और ये सब देवी अहिल्या करेंगी, और इसीलिए देवी अहिल्या पे फिर से मल्हार सरकार को मान होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.